आदिवासी 15 अगस्त 1947 से पहले में थे कि बाद में आए, मैंने ये प्रश्न, अगर पहले से थे उनकी भी किस्ते की। आजादी के बाद स्कूल खुले गांव गांव आदिवासी इलाके में, आरक्षण की व्यवस्था की, लोगों को नौकरियां दी गई, किसने किया उनसे पूछ लिया। तब विदेशी कौन है, कांग्रेस पार्टी है कि दूसरी पार्टी है, ये पता लग जाएगा लोगों को। कांग्रेस पार्टी हितैषी है आदिवासियों की। जब संविधान बन रहा था तो ये तो नजारा थे, कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे, उन्होंने व्यवस्था की, अम्बेडकर साहब ने व्यवस्था की, आरक्षण की, विशेष सुविधा की। आरक्षण मतलब नौकरियों में नहीं, पार्लियामेंट में, असेंबली, राजनीतिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, सब तो कांग्रेस ने दिया। ये अगर दिए होंगे तो बता दे, दिए होंगे तो बता दे, बस नहीं करना असम के मुख्यमंत्री रहेगा, दूसरी पार्टी वहां पर दिखाई देगा, ऐसा एक जज्बा हम उस जिले में पैदा करने का काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, मुझे खुशी होगी कि हमारे क्षेत्र में भी एक अच्छा कार्यक्रम करने का एक अवसर प्रदान करें और आप सभी लोग, तमाम अतिथिगण उस कार्यक्रम में आवे। तो एक मिसाल हम लोग देना चाहते हैं अपने विधानसभा में कि कांग्रेस पार्टी से कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग अपेक्षा रखे थे कांग्रेस पार्टी से। हम नहीं सोचते इस मिलन समारोह में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय माननीय सुबोध कुमार सहाय जी, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुजू जी, हमारे राज्यसभा सदस्य पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री धीरेन्द्र प्रसाद साहू जी, हमारे माननीय विधायक सिमडेगा के भूषण बारा जी, हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन सतीश पाल मुस्मी जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश बैठा जी, मीडिया सेल के हमारे उपस्थित ये सिंह जी, कमल जी और बाकी बोकारो रांची से आए हुए आज जो ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नीति और सिद्धांत पर विश्वास करते हुए हमारे नेता खाड़गे साहब और राहुल जी के कार्यक्रमों से, उन्होंने जो पैदल यात्रा की उससे प्रभावित होकर आप लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता आज ग्रहण की, इसलिए आप सबों को मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कांग्रेस की अपनी नीति है, अपना सिद्धांत है, उसकी अपनी संस्कृति है। कांग्रेस का गौरवशील साल इतिहास आप सबों को मालूम है, देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है, क्या कांग्रेस के लोगों का त्याग बलिदान उत्सर्ग रहा है, आप सभी जानते हैं। आज आप सभी उन महान कांग्रेस के महान नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका त्याग बलिदान, देश की एकता और अखंडता के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई, उस महान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जिनके को बंदूक की गोली से छन्नी छन्नी किया गया, आप उन महान नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जिन्होंने एक तीन की तरह प्रधानमंत्री जैसे पद को भी ठुकरा दिया राज्य देश के हित में, उस नेतृत्व वाली पार्टी के आप आज गौरवशाली पार्टी के आप सदस्य हुए। इसलिए साथियों, आप लोग व्यक्ति का नारा कभी मत लगाइएगा कांग्रेस में, आप लोग नेतृत्व जो शीर्ष है उस महान गौरवशाली कांग्रेस का, जिसके दिशा निर्देश पर हम सभी कार्यकर्ता सारे कार्यक्रमों को आमली जमा पहनाने का काम करते हैं,
आप कांग्रेसी बन के रहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के रहिए, कांग्रेस के नीति कार्यक्रम और सिद्धांत